हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक रिक्रूटमेंट निकाल रखी है एसएससी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। इसका एग्ज़ाम आप लोगों का 18, 21, 22, 23 अगस्त को टोटल 8 शिफ्टों में सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया गया था और कल इसकी आंसर की भी जारी कर दी गई है। आई होप आप लोगों ने अपनी आंसर की चेक भी कर ली होगी। अगर अभी भी कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने अपनी आंसर की चेक नहीं की है तो आंसर की चेक करने के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होंगे और कमेंट सेक्शन के कमेंट बॉक्स में भी अवेलेबल होंगे। वहां से भी जा करके आप लोग अपनी आंसर की को चेक कर सकते हैं। आंसर की सिर्फ 2 दिन के लिए अवेलेबल रहेगी, 3 तारीख आंसर की को चेक करने की लास्ट डेट रहेगी। तो जाइए जा करके आप लोग अपनी आंसर की को चेक कर लीजिए। अब जिन भी कैंडिडेट ने अपनी आंसर की चेक की है तो वो बोल रहे हैं कि सर हमारे जो आंसर की है उसमें ड्रॉप क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन ड्रॉप हुआ, तो इस ड्रॉप का क्या मतलब है? क्या वो नंबर काउंट नहीं होंगे या कि उस क्वेश्चन को काट के मार्किंग होगी, तो उसका क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग समझाने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन की कटिंग दिखा रहा हूँ। इसमें लिख रखा है कि ड्रॉप क्वेश्चन का क्या मतलब है, तो आप लोग हाईलाइट करके ही पढ़ सकते हैं। इफ़ ए क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट, अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को लगता है कि गलत है और द क्वेश्चन इज ड्रॉप या फिर उस क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है, देन 4 मार्क्स + 4 विल बी अवॉर्डेड ऑल दोज हु कैंडिडेट अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को उसके फुल मार्क्स दिए जाएंगे जिन कैंडिडेट ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। द रीज़न कुड बी ड्यू टू द ह्यूमन एरर और टेक्निकल एरर। तो आप सभी के लिए ये अच्छी बात है कि जिन भी कैंडिडेट ने उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है उसको +4 मार्क्स दिए जाएंगे। तो 4 मार्क्स दिए जाएंगे, सबको नहीं दिए जाएंगे। तो ये था आप लोगों का ड्रॉप क्वेश्चन या फिर किसी रॉन्ग क्वेश्चन का। इफ़ ऑल दोज फाउंड टू बी करेक्ट, आपको पता ही है सही के 4 मार्क्स मिलेंगे और नेगेटिव का 1/4 था। इफ़ फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। इफ़ मोर देन 1 ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, हाँ अवॉर्डेड टू ऑन दोज, हाँ अगर आप लोगों को लगता है कि किसी में 1 से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है तब भी आप लोगों को 4 मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन उन्हीं कैंडिडेट को जो कैंडिडेट ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो ये था आप लोगों का अपडेट। तो 3 पॉइंट दे रखे हैं आप लोगों को। पहले पॉइंट में बता रखा है कि अगर 1 ऑप्शन से ज़्यादा करेक्ट है तब भी आप लोगों को 4 मार्क्स दिए जाएंगे जो भी कैंडिडेट उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, और अगर चारों के चारों सही है तब भी आप लोगों को +4 मार्क्स दिए जाएंगे अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, और अगर क्वेश्चन ही गलत है या फिर उसको ड्रॉप कर दिया गया तभी आप लोगों को 4 नंबर दिए जाएंगे उन्हीं कैंडिडेट को जिन कैंडिडेट ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो हु अटेम्प्टेड द क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, हु अटेम्प्टेड द क्वेश्चन यहाँ पर भी लिखा है, और देन हु है मार्क एनी ऑफ द क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोगों को मैंने बता दिया है कि आप लोगों को क्या है, +4 मार्क्स दिए जाएंगे जिन भी कैंडिडेट के द्वारा ड्रॉप क्वेश्चन को या फिर रॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया गया है, या फिर चारों सही है तब भी आप लोगों को 4 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये अपडेट थी। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग के कितने नंबर बन रहे हैं, क्या आपकी कैटेगरी है और किस डे आपका एग्ज़ाम था, किस शिफ्ट में। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी ओर से कुछ क्वेश्चन को चैलेंज किया जाए, ऑब्जेक्शन किया जाए, तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि सर हमें बता दीजिए किस तरीके से चैलेंज करना है। मैं आप लोगों को अपनी जो टेलीग्राम आई डी है वो दे देता हूँ, DEPK3512। इस टेलीग्राम आई डी पर आप लोग जिसको भी अपनी ओर से क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करवाने हैं तो इस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आपकी ओर से क्वेश्चन जो भी होगा उसको ऑब्जेक्ट कर दूंगा या फिर आपको भी बता दूंगा कैसे ऑब्जेक्शन करना है। तो ये अपडेट थी। बाकी जो कट ऑफ की एनालिसिस है आप लोगों को शाम तक मिलेगी। आप लोग पोल जो मैंने कराया था उसमें पार्टिसिपेट करिए और एक फॉर्म भर रखा है उसमें पार्टिसिपेट करिए। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर हाईस्टे चैनल की ओर से दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए, जैसे ही एनटीए की ओर से कोई अपडेट आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हाईस्टे चैनल से दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।